में एकता की मिसाल दी जाती है, तो बॉलीवुड की जो एकता है, हिंदी सिनेमा में जो तरह तरह के लोग काम करते हैं, तरह तरह के मजहब के लोग काम करते हैं, उसकी एकता की मिसाल भी दी जाती है। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है लोगों में कि बॉलीवुड को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। पिछले साल से हम देख रहे हैं तमाम तरह की रेड्स हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक पोर्ट के ऊपर आपको $1 बिलियन की कोकीन मिलती है, और एक जगह कहीं 1200 आदमी थे वहाँ पर 130,000 की चरस और गांजा कुछ, एक जिसकी कंप्लीट की प्राइस ये है 130,000 अकॉर्डिंग टू द मीडिया, और वो एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ बन गई है। और मैंने तो हेडलाइन कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। वो अब पाँचवें छठे पेज पे छोटा सा आ जाता है कुछ कभी एक आध बार कि अभी उन्होंने कहा जी हम यहाँ इन मुल्कों के जहाज़ नहीं आने देंगे। अरे जहाज़ नहीं आने तो क्यों रखा, ये जो रखा है इसका तो बताओ कुछ। तो ये सब तो खैर है, क्या है कि दिस इज़ द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज़ टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मज़ा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। आपको लगता है कि शाहरुख खान, आर्यन खान को टारगेट मेरा, आप जो है एक काम कीजिए, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ, मगर इस वक्त आप कर रहे हैं वो काम जो मना कर रहे हैं। आइए और बोलिए, चलिए। बस ये कह रही थी कि हम चेंज पे हमारा पुराने रिलेशन हमें पता है, इनका ठीक है, हम इनको जानते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस बुक विल हैव स्टोरीज ऑफ चेंज इनिशिएटेड बाय वुमेन व्हिच इज चेंज फॉर द बेटर, बट वी आर आल्सो सीइंग इन आवर नेबरिंग कंट्रीज देयर सर्टेन चेंज दैट कम व्हिच इज नॉट लुकिंग गुड, स्पेशली विद द हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। What would you have to say to that, sir? Are you concerned with the situation in Bangladesh? Well, I am concerned with wherever there is injustice and there is repression of minorities anywhere, including our own country. And Bangladesh is a shame. They are creating a very bad example because one takes for granted that Hasina Sheikh is a liberal. Yahan to khair theek hai, Modi ji hai. फिर भी समझ में आता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन वहाँ तो भाई हसीना शेख तो बड़ी डिसेंट कहलाती थी, उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, बड़े शर्म की बात है। और चाहिए कुछ? देखिए आपको एक बात बताऊँ, जिस टॉपिक हम हैं उस पर बात कीजिए, आपको उस टॉपिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हिंदू दुनिया की आधी आबादी की आप बात कर रहे हैं and they are treated like one of the worst minorities in the world. और आपका एक सवाल उस पे नहीं। हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कितनी दुनिया बदली है। एक मुशीरुल हसन, who was very respected historian, you would know, he has written a book about the kasbas of Awadh. उसमें उन्होंने एक इंसिडेंट मेरी मदर का लिखा है। माय मदर family was from a place called Lucknow, which is Rudauli, which is 100 miles away from Lucknow. To rehte wo log Lucknow mein the, unki zamindari ho raha. She was the first girl of that district who graduated. To shehar mein rehte the to hamare kuch relative aaye, to unhe ye to malum tha ki bhai ye log civil lines mein rehte hain, lekin unka ghar kahan hai ye nahi malum tha. I did not know this. I read it इन मुशीरुल हसन बुक। तो जो लोग आ रहे थे उन्होंने पूछा, भाई साहब उनका घर कहाँ है जिनकी बेटी ने बीए किया है? तो लोगों ने बता दिया। तो कैन यू इमेजिन हाउ फार वी हैव कम? ये इंटरेस्टिंग नहीं ना?